नमस्कार साथियों, घटना चक्र 2023 करंट अफेयर पॉइंटर के अंतर्गत आर्थिक परिदृश्य, जिसके अंतर्गत देश विदेश की घटनाओं एवं आर्थिक संगठनों की गतिविधियों पर नज़र रहेगी। पहले राजकोषीय घटनाक्रम देखते हैं, जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न है द ग्रीन शिफ्ट द लो कार्बन ट्रांजिशन ऑफ इंडियाज ऑयल एंड गैस सेक्टर पर रिपोर्ट को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ऊर्जा संक्रमण सलाहकार समिति के द्वारा। भारत सरकार ने प्राकृतिक गैस मूल निर्धारण पर किस समिति की सिफारिश को मंजूरी प्रदान की है? किरीट पारेख समिति। किस विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है? बसोहली पेंटिंग, कठुआ जिला, जम्मू कश्मीर को। भारत का राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखानुमान 2019-20 जारी किया गया। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद के पाल द्वारा। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-20 में कुल स्वास्थ्य व्यय में आउट ऑफ पॉकेट व्यय क्या रहा है? 47.1%। देश की कुल GDP में सरकारी स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी वर्ष 2019-20 में कितनी रही है? 1.35%। वर्ष 2019-20 के लिए भारत के लिए कुल स्वास्थ्य व्यय 655,822 करोड़ रुपये अनुमानित है। यह GDP का है 3.27%। कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा वर्ष 2019-20 में कितना रहा है? 41.41%। वर्ष 2022-23 के लिए किस राज्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? कर्नाटक। छोटे राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? पांडुचेरी। दूसरा अंतर्देशीय जलमार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। इस समिट का थीम क्या है? टैपिंग इन टू द पावर ऑफ इनलैंड वाटरवेज, प्रमोटिंग ग्रोथ, ट्रेड एंड प्रॉस्पेरिटी। मार्च 2023 तक भारत में राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या कितनी है? 111। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मनरेगा के तहत मजदूरी दरों में बढ़ोतरी के बाद सर्वाधिक दैनिक मजदूरी किस राज्य में है? हरियाणा, 357 रुपये। न्यूनतम दैनिक मजदूरी किस राज्य में है? मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में, 221 रुपये। उत्तर प्रदेश में दैनिक मजदूरी है 230 रुपये। ACIASQ अवार्ड्स 2022 के अनुसार भारत का कौन सा हवाई अड्डा एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ, 2 मिलियन से कम यात्री प्रतिवर्ष श्रेणी में घोषित किया गया है? तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डा। एशिया आर्थिक संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया गया? पुणे, महाराष्ट्र में। इस संवाद का मुख्य विषय है एशिया एंड द एमरिंग वर्ल्ड ऑर्डर। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना को कब तक बढ़ाया गया है? 31 दिसंबर 2024 तक। कोरोना काल में PM कुसुम योजना के क्रियान्वयन में अवरोध उत्पन्न होने के कारण इस योजना का विस्तार कब तक के लिए किया गया है? 31 मार्च 2026 तक। PM कुसुम का पूर्ण रूप क्या है? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, PM कुसुम। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-21 किसके द्वारा जारी किया गया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। भारत में उच्च शिक्षा में नामांकन वर्ष 2019-20 के 3.85 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2020-21 में कितना हो गया है? 4.13 करोड़। शिक्षार्थी नामांकन की संख्या के संदर्भ में शीर्ष 6 राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक तथा राजस्थान। सर्वाधिक विश्वविद्यालयों की संख्या किस राज्य में है? राजस्थान में, 92 विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 84। कॉलेजों की संख्या के संदर्भ में शीर्ष राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2023-24 कब प्रस्तुत किया गया? 1 फरवरी 2023 को। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार विगत 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई है? 1.97 लाख रुपए। बजट की 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि में शामिल हैं। पहला, समावेशी विकास। दूसरा, अंतिम छोर तक पहुंच। तीसरा, अवसंरचना और निवेश। चौथा, सक्षमताओं को सामने लाना। पांचवा है हरित विकास। छठा है युवा शक्ति। और सातवां है वित्तीय क्षेत्र। बजट में उल्लिखित आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पादप कार्यक्रम का शुभारंभ कितने प्रारंभिक परिव्यय के साथ किया जाएगा? 2,200 करोड़ रुपए। बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए परिव्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? 66%। पीएम आवास के लिए परिव्यय कितना रखा गया है? 79,000 करोड़ रुपए। 79,000 करोड़ रुपए। 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितनी लैब स्थापित की जाएंगी? 100 लैब्स। गोवर्धन, गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्री रिसोर्सेज धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? 500। गोवर्धन योजना में सरकार द्वारा निवेश किया जाएगा 10,000 करोड़ रुपए का। किसानों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कितने बायो इनपुट रिसोर्सेस केंद्र स्थापित किए जाएंगे? 10,000। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 में शामिल पाठ्यक्रम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, IoT, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल आदि। सरकार द्वारा कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे? 30। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2023 को वित्त वर्ष 2022-23 हेतु प्रस्तुत बजट अनुमान की राशि कितनी है? कुल 45.03 करोड़ रुपए। बजट वर्ष 2023-24 के अनुसार कुल प्राप्तियों में राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा कितने प्रतिशत है? क्रमशः 58.45% एवं 41.55%। बजट अनुमान 2023-24 के अनुसार कुल व्यय में राजस्व एवं पूंजी खाते पर व्यय का हिस्सा कितने प्रतिशत है? क्रमशः 77.77% एवं 22.23%। वर्ष 2023-24 हेतु प्रस्तुत बजट में राजस्व घाटा कितना अनुमानित है? 869-855 करोड़ रुपए। वर्ष 2023-24 हेतु अनुमानित राजस्व घाटा 869-855 करोड़ रुपए GDP का कितने प्रतिशत है? 2.9%। वर्ष 2023-24 के बजट में 17,868 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा अनुमानित है, जो इसी वर्ष के अनुमानित GDP का कितने प्रतिशत है? 5.9%। बजट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2023-24 में करों से अनुमानित कुल प्राप्ति 33.61 लाख करोड़ रुपए में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा कितने प्रतिशत है? क्रमशः 54.25% एवं 45.75%। बजट 2023-24 में वर्ष 2023-24 हेतु प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर GDP के संदर्भ में कितने प्रतिशत अनुमानित है? क्रमशः 6% एवं 5.1%। बजट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2023-24 में करों के योगदान का अनुमानित क्रम क्या है? क्रमशः वस्तु एवं सेवा कर, निगम कर, आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क। बजटीय विवरण 2023-24 के अनुसार राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व एवं कर भिन्न राजस्व का हिस्सा कितने प्रतिशत है? क्रमशः 88.54% एवं 11.46%। बजट 2023-24 में कुल 40,30,83.63 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रस्तावित है, यह सकल व्यय का कितने प्रतिशत है? लगभग 895%।
वर्ष 2023-24 में कुल सब्सिडी का अकेले खाद्य मद में कितने प्रतिशत व्यय अनुमानित है? लगभग 48.96%। मदवार सब्सिडी में खाद्य सब्सिडी के बाद अधिकतम हिस्सेदारी वाली मदें कौन कौन सी हैं? क्रमशः उर्वरक सब्सिडी 43.44% तथा ब्याज सब्सिडी 6.84%। बजट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2023-24 में ब्याज भुगतान 20% के बाद सर्वाधिक व्यय अनुमानित है। करों का शुल्कों में राज्य का हिस्सा 18%। वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान में ब्याज भुगतान 10,79,971 करोड़ रुपए जीडीपी के संदर्भ में कितने प्रतिशत अनुमानित किया गया है? लगभग 3.58%। बजट 2023-24 के अनुसार केंद्र सरकार की कुल 100% प्राप्ति में से सर्वाधिक हिस्सेदारी वाली शीर्ष चार मदें हैं। क्रमशः उधार एवं अन्य देयताएं 34%, जीएसटी 17%, निगम कर 15%, आयकर 15%। बजट अनुमान 2023-24 में वर्ष 2022-23 के लिए देश की आर्थिक वृद्धि अनुमानित है 7%। ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप शुरू करने के लिए युवा उद्यमियों हेतु स्थापित निधि का नाम क्या है? कृषि वर्धक निधि। भारत को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए किस संस्थान द्वारा उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। श्री अन्न से तात्पर्य क्या है? कदन मोटे अनाज ज्वार बाजरा सावा कोदो। केंद्रीय बजट 2023 में पीएम प्रणाम योजना संबंधित है। वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने एवं रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग से तटीय क्षेत्रों और लवण भूमि पर जहां व्यवहार हो मैंग्रोव पौधारोपण के लिए प्रारंभ की गई योजना का नाम है मिष्टी योजना। महिलाओं या बालिकाओं के लिए घोषित नई लघु बचत योजना का नाम क्या है? महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना को मार्च 2025 तक लागू रहेगी में सरकार द्वारा देय ब्याज दर कितने प्रतिशत है? 7.5%, 2 लाख तक जमा सुविधा। नई कर व्यवस्था में निजी आयकर में छूट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 7 लाख रुपए। केंद्रीय बजट 2023-24 में उल्लिखित राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री कार्य करेगा वित्तीय और सहायक सूचनाओं के केंद्रीय कोष के रूप में। पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उपयोजना जारी करने के लिए कितनी राशि का निवेश लक्षित है? 6,000 करोड़ रुपये। ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य पोषण शिक्षा कृषि जल संसाधन वित्तीय समावेशन कौशल विकास एवं आधारभूत अवसंरचना विकास के लिए प्रारंभ की गई आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम में कितने प्रखंडों को शामिल किया गया है? 500 प्रखंड। विशेष रूप से जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले 3 वर्षों में प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन को लागू करने के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? 15,000 करोड़ रुपये। बच्चों तथा किशोरों हेतु अलग अलग इलाकों भाषाओं विषयों तथा स्तरों में गुणवत्तापूर्ण पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु स्थापित किया जाएगा राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय। 1 लाख पुरातन अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए किसकी स्थापना की जाएगी? भारत श्री मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी कर्मचारियों के कौशल उन्नयन के लिए प्रारंभ ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच का नाम है आई गॉट कर्मयोगी। एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना में 9,000 करोड़ रुपये जोड़कर योजना को नवीनीकृत किया गया है। यह नवीनीकृत योजना प्रारंभ हुई है 1 अप्रैल 2023 से। बजट अनुमान 2023-24 में केंद्र सरकार ने मंत्रालयों में रक्षा मंत्रालय हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? 5.94 लाख करोड़ रुपये। बजट अनुमान 2023-24 में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को बजट में कितनी राशि प्राप्त हुई है?
2.70 लाख करोड़ रुपए। बजट अनुमान 2023-24 में रेल मंत्रालय को प्राप्त बजटीय आवंटन आवंटन है 2.41 लाख करोड़ रुपए। बजट अनुमान 2023-24 में पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष अवसंरचना विकास योजना हेतु बजटीय आवंटन है 2,491 करोड़ रुपए। बजट अनुमान 2023-24 में जल जीवन मिशन योजना के लिए कितना बजटीय आवंटन प्राप्त हुआ है? 70,000 करोड़ रुपए। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 कब जारी किया गया है? 31 जनवरी 2023 को। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में देश की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है? 7%। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अर्थव्यवस्था की विकास दर कितनी रहने की उम्मीद है? 6 से 6.8% के मध्य। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है? 6.4%। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारतीय विनिर्माण नवाचारी सूचकांक में समग्र रूप से सर्वाधिक नवाचारी राज्य कौन है? कर्नाटक। समग्र रूप से दूसरे, तीसरे एवं चौथे स्थान पर कौन कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं? दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, तेलंगाना एवं तमिलनाडु। नवोन्मेषी फर्मों की हिस्सेदारी किस राज्य में सर्वाधिक है? तेलंगाना में 46.18%। इस सूची में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? 14वां। 6 से 8 फरवरी 2023 के मध्य भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का आयोजन किया गया है बेंगलुरु कर्नाटक में। 11 से 12 जनवरी 2023 के मध्य किस राज्य में वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया है? मध्य प्रदेश में। यह सम्मेलन मध्य प्रदेश के किस शहर में संपन्न हुआ है? इंदौर में। वैश्विक निवेश सम्मेलन 2023 की थीम क्या है? मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य है। केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का क्या नाम रखा गया है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इस नई योजना को किस तिथि से प्रारंभ किया गया है? 1 जनवरी 2023 से। इस नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना में किन दो योजनाओं का विलय किया गया है? अंत्योदय अन्न योजना तथा प्राथमिक घरेलू योजना। 7 जनवरी 2023 को व्हार्टन इंडिया इकोनॉमी फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई, भारत में। इस सम्मेलन की थीम है इंडिया लीडिंग इनोवेशन इन द एज ऑफ अनसर्टेनिटी। प्रज्वला चैलेंज भारत सरकार ने किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? प्रज्वला चैलेंज भारत सरकार द्वारा प्रज्वला चैलेंज भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। प्रज्वला चैलेंज का उद्देश्य है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने वाले विचारों, समाधानों और कार्यों को आमंत्रित करना। सिटीज फाइनेंस रैंकिंग 2022 और सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन किस मंत्रालय की पहल है? आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार। प्रतिष्ठित ग्रह अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI मुख्यालय ने। UIDAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। प्रतिष्ठित ग्रह अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार प्रतिष्ठित ग्रह अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार है राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार। GRIHA का पूरा नाम क्या है? ग्रीन रेटिंग फॉर एग्रीगेटेड हैबिटेट असेसमेंट। देश का सबसे बड़ा व्यापारिक जेट टर्मिनल किस हवाई अड्डे पर प्रारंभ किया गया है? कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। केंद्र सरकार द्वारा B20 इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एन चंद्रशेखर को, जो कि टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। B20 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माताओं एवं कारोबारी समुदाय आदि के लिए G20 का आधिकारिक चर्चा मंच। इंडिया इन इक्वेलिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड किसने जारी किया है? ऑक्सफैम इंडिया ने। 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पणजी, गोवा में। इस एक्सपो की थीम क्या है? आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 के तहत सर्वेक्षण राज्य केंद्र शासित प्रदेश पर्यटन का व्यापक विकास शेष भारत के हॉल ऑफ फेम में शामिल राज्य है उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, केरल और गोवा। हॉल ऑफ फेम के तहत प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है उत्तराखंड को।
सर्वश्रेष्ठ विरासत वाक का पुरस्कार मिला है अहमदाबाद हेरिटेज वाक को। सर्वश्रेष्ठ अनुरक्षित और दिव्यांग अनुकूलन स्मारक का पुरस्कार प्राप्त हुआ है शिव मंदिर भोजपुर मध्य प्रदेश को। प्रमुख शहरों में सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अनुकूलन हवाई अड्डा का पुरस्कार प्राप्त हुआ है कोलकाता पश्चिम बंगाल को। सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अनुकूलन रेलवे स्टेशन का पुरस्कार प्राप्त हुआ है सिकंदराबाद तेलंगाना को। 21वीं विश्व लेखाकार कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई महाराष्ट्र में। विश्व लेखाकार कांग्रेस 2022 का विषय क्या है? बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। 15 से 17 नवंबर 2022 के मध्य जियो स्टार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। 16 से 19 अक्टूबर 2023 के मध्य जियो स्मार्ट इंडिया 2023 का आयोजन होगा हैदराबाद में। 14 से 16 नवंबर 2023 के मध्य ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का आयोजन कहाँ होगा? अबू धाबी यूएई में। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया वाराणसी उत्तर प्रदेश में। यह सम्मेलन आयोजित हुआ है भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के तत्वाधान में। 15वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? कोच्चि केरल में। वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक PGI जारी किया गया है शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। वर्ष 2020-21 में स्तर सेकेंड स्कोर 901 से 950 प्राप्त करने वाले राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या है 7, जिसमें केरल, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। प्रदर्शनी श्रेणी सूचकांक 2020-21 में उत्तर प्रदेश का स्तर है स्तर थर्ड अंक 851। इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन किया गया है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में। इंडिया फूड एक्सपो का आयोजक है इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, सह आयोजक उत्तर प्रदेश सरकार। भारत का पहला पानी पर तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर कहाँ आयोजित किया गया है? डल झील श्रीनगर में। शिविर का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। 2 से 3 नवंबर 2022 के मध्य 12वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन इंडिया केम 2022 का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। इंडिया केम 2022 का विषय थीम है विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडियाज। हरियाली बढ़ाने तथा सूक्ष्म वन के सृजन हेतु राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर हरित आयकर पहल की शुरुआत की गई है आयकर विभाग के द्वारा। हरित का पूर्ण रूप है हरियाली अचीवमेंट रेजुलेशन बाय इनकम टैक्स। भारत का पहला प्रवासन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुंबई महाराष्ट्र में। केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया भविष्य 9.0 है इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल। भविष्य 9.0 पोर्टल का विकास किया गया है भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से। देश का पहला पेंशन संवितरण बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। हर स्टार्ट प्लेटफार्म एक पहल है गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल की। इसे कहां और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? गुजरात यूनिवर्सिटी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। हर स्टार्ट का उद्देश्य है महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को बढ़ाने में मदद करना। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने राज्य में जाति सर्वेक्षण का शुभारम्भ किया है? बिहार में। भारत का पहला ई फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया का शुभारंभ किसने किया है? नीति आयोग ने। ई फास्ट इंडिया का पूरा नाम है इलेक्ट्रिक फ्रेगेट एसीलरेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इंडिया। नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर ई फास्ट इंडिया का शुभारंभ किया है? वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट तथा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सितंबर 2022 में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में FDI इक्विटी अंतर्वाह के संदर्भ में सर्वाधिक निवेशकर्ता शीर्ष 4 देश हैं क्रमशः सिंगापुर, USA, मॉरिशस तथा नीदरलैंड्स। वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अंतर्वाह हेतु सर्वाधिक आकर्षक क्षेत्र 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं?
क्रमशः कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, सेवा क्षेत्र ऑटोमोबाइल उद्योग तथा ट्रेडिंग। वित्त वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अंतर वह प्राप्त करने वाले 4 राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? क्रमशः कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली तथा तमिलनाडु। कंपटेटिवनेस रोड मैप फॉर इंडिया @100 रिपोर्ट किसने जारी किया है? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा किस वर्ष तक भारत को उच्च आय वाला देश बनाने का रोड मैप विकसित किया गया है? वर्ष 2047 तक। India@100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप आधारित आधारित है प्रतिस्पर्धात्मकता फ्रेमवर्क पर। मेक इंडिया नंबर 1 मिशन का शुभारंभ किसने किया? अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री दिल्ली के द्वारा। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हैकथॉन श्रृंखला के अंतर्गत पहला हैकथॉन हाइब्रिड रूप से कहाँ आयोजित किया गया है? पुणे, महाराष्ट्र में। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने तथा उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने हेतु कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? जागृति। किस कंपनी द्वारा एक इंडोर सोलर कुकिंग स्टोव का अनावरण किया गया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। IOC ने किस नाम से इंडोर सोलर कुकिंग स्टोव का अनावरण किया है? सूर्य नूतन। किस राज्य ने प्रवासियों के डाटा बैंक के विस्तार हेतु प्रवासन सर्वेक्षण करने की घोषणा की है? केरल। जून 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहां पर नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विकास को मंजूरी प्रदान की है? धोलेरा, अहमदाबाद, गुजरात। जून 2022 में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021 रिपोर्ट के तहत कितने क्षेत्रों की सेवाओं को शामिल किया गया है? 7 क्षेत्रों की, जिसमें रिपोर्ट के अनुसार राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के पोर्टल की रैंकिंग में शीर्ष स्थान उत्तर पूर्व तथा पहाड़ी राज्य नागालैंड प्रथम स्थान पर, ग्रुप ए राज्य केरल प्रथम, ग्रुप बी राज्य ओडिशा प्रथम, उत्तर प्रदेश दूसरा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर प्रथम। रिपोर्ट के अनुसार राज्य केंद्र शासित प्रदेश सेवा पोर्टल की रैंकिंग में शीर्ष स्थान उत्तर पूर्व तथा पहाड़ी राज्य मेघालय प्रथम, ग्रुप ए राज्य पंजाब प्रथम, ग्रुप बी राज्य राजस्थान प्रथम, उत्तर प्रदेश दूसरा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर प्रथम। मेटावर्स में अपना ऑफिस स्पेस रखने वाला विश्व का पहला निकाय है? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। जिला कौशल विकास योजना पुरस्कार 2022 के तहत कितने जिलों को पुरस्कृत किया गया है? 30। इस पुरस्कार से सम्मानित शीर्ष 3 जिले क्रमशः कौन कौन से हैं? राजकोट, गुजरात, कछार, असम, सतारा, महाराष्ट्र। इस सूची में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले शामिल हैं? बहराइच 10वें स्थान पर, गाजियाबाद 16वें स्थान पर, चंदौली 17वां स्थान, सोनभद्र 22वां स्थान। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग पर एक पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की घोषणा की है? IIT मद्रास। किस भारतीय प्रबंधन संस्थान ने कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद, गुजरात। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद ने किसके साथ मिलकर इस सूचकांक को जारी किया है? भारतीय कृषि भूमि बाजार के साथ। टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? रश्मि साहू ने। देश के पहले वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। मई 2023 में ONGC द्वारा मुंबई में 2 ब्लॉगों में खोजे गए कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस स्थलों को क्या नाम दिया गया है? अमृत और मूंगा। अप्रैल 2023 को RBI द्वारा घोषित मौद्रिक नीति में रेपो दर तथा स्थायी जमा सुविधा को निर्धारित किया गया क्रमशः 6.50% एवं 6.25%। मौद्रिक नीति में सीमांत स्थायी सुविधा दर तथा बैंक दर को कितने प्रतिशत निर्धारित किया गया है? 6.75% दोनों। मौद्रिक नीति में CRR तथा SLR को कितने प्रतिशत पर बनाए रखा गया है? क्रमशः
4.50% एवं 18% पर। मौद्रिक नीति के तहत फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट निर्धारित है 3.35%। अप्रैल 2023 में वर्ल्ड लाइन द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में डिजिटल ट्रांजेक्शन में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष पर है? बेंगलुरु। दूसरे एवं तीसरे स्थान पर कौन से शहर हैं? क्रमशः नई दिल्ली और मुंबई। AIIB ने पहला विदेशी कार्यालय खोलने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? संयुक्त अरब अमीरात। हरित हाइड्रोजन का उपयोग भारत में कार्बन उत्सर्जन में कमी के अवसर शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है नीति आयोग के द्वारा। इस रिपोर्ट को किसके सहयोग से तैयार किया गया है? RMI के द्वारा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण को कब जारी किया गया? 5 जुलाई 2022 को। सामान्य श्रेणी के राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष 3 स्थानों पर कौन है? उड़ीसा। पहले स्थान पर उड़ीसा, दूसरे पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर आंध्र प्रदेश। विशेष श्रेणी पूर्वोत्तर क्षेत्र हिमालयन राज्य और द्वीप क्षेत्र के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष 3 स्थान पर कौन है? त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। नगद हस्तांतरण मोड में संचालित केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्राप्त शीर्ष रैंक है दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, तथा दूसरा पांडुचेरी और तीसरा स्थान चंडीगढ़। यह कार्यालय कहाँ खोला जाएगा? अबू धाबी, UAE में। डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए पिन ऑन मोबाइल तकनीकी पर आधारित भारत की पहली पॉकेट साइज स्वाइप मशीन किसके द्वारा लॉन्च की गई है? एक्सिस बैंक के द्वारा। इस मशीन का क्या नाम है? माइक्रो पे। किस संस्था को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है? भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी। यह दर्जा किसके द्वारा प्रदान किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए हर पेमेंट्स डिजिटल मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। इस मिशन की थीम क्या है? डिजिटल पेमेंट्स अपनाओ औरों को भी सिखाओ। किस एक्सचेंज को सामाजिक शेयर बाजार शुरू करने की मंजूरी प्रदान की गई है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को। यह मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई है? सेबी के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस नाम से अपने दूसरे वैश्विक हैकथॉन की घोषणा की है? इनोवेशन फॉर HARBINGER 2023, इनोवेशन फॉर इंफॉर्मेशन। इस हैकथॉन की थीम क्या है? इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज। टाइम्स ग्रुप द्वारा आयोजित वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। इस शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? लचीलापन, प्रभाव और प्रभुत्व। क्रॉस बॉर्डर UPI भुगतान सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला फिनटेक ऐप कौन सा है? फोनपे। देश में ग्रीन पब्लिक बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम कौन बन गया है? इंदौर नगर निगम। लगातार चौथे वर्ष विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज कौन बना है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। RBI द्वारा जारी पोर्टल प्रवाह का पूर्ण रूप क्या है? प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? केरल। उत्कर्ष 2.0 नामक रणनीति की रूपरेखा जारी की गई भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। यह रणनीति रूपरेखा किस अवधि के लिए बनाई गई है? वर्ष 2023 से 25 तक के लिए। उत्कर्ष 2022 नामक रणनीतिक रूपरेखा का प्रथम संस्करण कब लॉन्च किया गया? जुलाई 2019 में। यह रूपरेखा किन अवधियों के लिए बनाई गई है? वर्ष 2019 से 22 तक के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? मालदीव के साथ। कितने मिलियन डॉलर हेतु मुद्रा अदला बदली समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? 200 मिलियन डॉलर। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किस कार्य प्रणाली का शुभारंभ किया गया है? सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस हेतु सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट कार्य क्षमता शुरू करने की घोषणा की गई भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा।
भारत का पहला गोल्ड एटीएम तथा विश्व का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम का अनावरण कहाँ किया गया है? हैदराबाद, भारत में। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा पहला प्रायोगिक रिटेल डिजिटल रूपी ई रुपया जारी किया गया है 1 दिसंबर 2022 को। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल रूपी होलसेल ई रुपये डब्ल्यू को जारी किया गया है 1 नवंबर 2022 को। शिकायत निवारण सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूडीआई। हाल ही में कौन सा राज्य बैंक दर के आधार पर एक समान सोने की कीमत पेश करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है? केरल। अक्टूबर 2022 में किस देश के केंद्रीय बैंक ने भारत के रुपए डेबिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NTPC इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है? ओमान के केंद्रीय बैंक ने। हाल ही में ग्रेट प्लेस टू वर्क द्वारा सूचीबद्ध होने वाला भारत का एकमात्र बैंक कौन है? फेडरल बैंक। एशिया 2022 में सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों में फेडरल बैंक ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 63वां स्थान। इको रैप रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा? वर्ष 2029 तक। इको रैप किसके द्वारा जारी की जाती है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? HDFC बैंक। HDFC बैंक ने इसके लिए किसके साथ साझेदारी के नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ। किस बैंक ने बैंकिंग क्षेत्र में लैंगिक विविधता को बढ़ाने के उद्देश्य से अपनी पहली महिला शाखा का शुभारंभ किया है? HDFC बैंक। HDFC बैंक ने अपनी पहली महिला शाखा का शुभारंभ कहाँ किया है? केरल में। भारत के पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड को किसके द्वारा जारी किया गया है? नवी म्यूचुअल फंड द्वारा। इस पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड का क्या नाम है? नवी निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा भारत की पहली स्टार्टअप समर्पित शाखा कहाँ प्रारंभ की गई है? कोर मंगला बेंगलुरु में। आयकर विभाग के टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क 2.0 प्लेटफार्म पर अपने भुगतान गेटवे प्लेटफार्म को सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला बैंक कौन बना है? फेडरल बैंक। किस देश ने मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के लिए स्वर्ण सिक्के का अनावरण किया है? जिम्बाब्वे। स्वर्ण सिक्के का क्या नाम है? मोसी ओ तुन्या। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियान एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ किया गया है? गिफ्ट सिटी गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय बुलियान एक्सचेंज का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। डिजिटल बैंकों पर रिपोर्ट जारी की है नीति आयोग द्वारा। डिजिटल बैंकों पर रिपोर्ट जारी की गई नीति आयोग के द्वारा। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? भारत में डिजिटल बैंकों के लिए एक प्रस्ताव, लाइसेंसिंग और नियामक व्यवस्था। किसके द्वारा हाइब्रिड सिक्योरिटी पर एडवाइजरी कमेटी का गठन किया गया है? भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड द्वारा। इस कमेटी का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? KV कामत को। इस संस्थान ने पेमेंट्स विजन 2025 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है भारतीय रिजर्व बैंक ने। इसका मुख्य विषय क्या है? ई पेमेंट्स फॉर एवरीवन एवरीवेयर एवरी टाइम 4E। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए EASE 5.0 कॉमन रिफॉर्म्स एजेंडा किसने लॉन्च किया है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा। मई 2023 तक देश में GI टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या कितनी है? 478। मई 2023 तक सर्वाधिक GI टैग प्राप्त शीर्ष दो राज्य हैं, क्रमशः तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश। अप्रैल 2023 में यूरोपीय आयोग द्वारा किस भारतीय चाय को GI टैग प्रदान किया गया है? हिमालय की कांगड़ा चाय को। कांगड़ा चाय को भारतीय GI टैग कब प्राप्त हुआ था? वर्ष 2005। बिहार के किस कृषि उत्पाद को GI टैग प्रदान किया गया है? मिर्चा चावल को। उत्तर प्रदेश के किस जनपद के आंवला को GI टैग प्रदान किया गया है? प्रतापगढ़। मध्य प्रदेश के आम की किस प्रजाति को GI टैग प्रदान किया गया है? रीवा सुंदर राजा आम। छत्तीसगढ़ के किस कृषि उत्पाद को GI टैग प्रदान किया गया है? नागरी दूबराज चावल को। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के किस उत्पाद को GI टैग प्रदान किया गया है? बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम तथा रामनगर का भंटा बैंगन को। हाल ही में उत्तर प्रदेश के GI टैग प्राप्त उत्पादक हैं महोबा गौरा पत्थर, मौनपुरी, मैनपुरी, तरकासी तथा संभल हार्न काट। प्रमोटिंग लिमिट्स इन डाइट्स बेस्ट प्रैक्टिस अक्रॉस स्टेट्स UTs ऑफ इंडिया नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? नीति आयोग ने।
बीज उत्पादन की चुनौतियों से निपटने, गुणवत्तापूर्ण बीज पहचान और बीज प्रमाणीकरण के लिए कौन सा पोर्टल एवं व ऐप लॉन्च किया गया है? साथी पोर्टल, साथी, सीड ट्रस्टेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड एंड हॉलिस्टिक इन्वेंटरी। G20 के कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की बैठक, भारत की अध्यक्षता में G20 की 7वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? वाराणसी में। इस बैठक के दौरान चर्चा में रहा महर्षि से तात्पर्य है मिलेट्स एंड अदर एशियंट ग्रेस इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव। आयातकों, मिल मालिकों, जमाकर्ताओं, व्यापारियों आदि जैसी संस्थाओं द्वारा जमा किए गए तूर अरहर दाल के भंडारण की निगरानी हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? श्री निधि खरे। वैश्विक बाजरा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय कदन मोटे अनाज वर्ष। रेशम उत्पादों हेतु रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बागवानी फसलों के लिए कितने उत्कृष्टता केंद्र को मंजूरी प्रदान की गई? 3। कमलम ड्रैगन फ्रूट्स के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित होगा? बेंगलुरु, कर्नाटक में। आम और सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित होगा? जाजपुर, उड़ीसा में। सब्जियों और फूलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित होगा? पोंडा, गोवा में। दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक, उड़ीसा में। इस आयोजन की थीम क्या थी? ट्रांसफॉर्मिंग राइस रिसर्च, रिसेंट साइंटिफिक डेवलपमेंट एंड ग्लोबल फूड क्राइसिस। दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। श्री अन्न मोटे अनाज का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? लहरी बाई, जनजाति महिला हैं। इनका संबंध किस स्थान से है? डिंडौरी, मध्य प्रदेश से। 15 से 17 सितंबर 2023 के मध्य 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? नवी मुंबई, महाराष्ट्र में। पशु अनुवांशिक संस्थान पर अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह का आयोजन कहाँ किया गया? रोम। ITGW के 12वें सत्र में किस देश को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? भारत को। जनवरी 2023 में मध्य पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? उमियम, मेघालय में। प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में। कृषि थान 2022 के 15वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? नासिक, महाराष्ट्र में। कृषि थान 2022 का आयोजन किया गया 24 से 28 नवंबर 2022 के मध्य। भारत की पहली निजी कृषि मंडी कहाँ स्थापित की गई है? डिंडौरी, नासिक जिला, महाराष्ट्र में। इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड को। 18 अक्टूबर 2022 को भारत सरकार द्वारा विपणन सत्र 2023-24 के लिए गेहूं का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया है 2125 रुपये प्रति क्विंटल। विपणन सत्र 2023-24 के लिए जव, चना तथा मसूर हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है क्रमशः 1735 रुपये तथा 6000 रुपये प्रति क्विंटल। विपणन सत्र 2023-24 के लिए रेप सीड एवं मस्टर्ड का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? 54.50 रुपये। कदन सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? रायचूर, कर्नाटक में। इस 2 दिवसीय सम्मेलन की थीम क्या थी? मेकिंग मनी मिलेट्स एंटरप्रेन्योर्स। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना की घोषणा की गई है? रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा। यह योजना किसके तहत लागू की गई है? प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना परियोजना। इस योजना के तहत सभी उर्वरक ब्रांड किस नाम से जाने जाएंगे? भारत ब्रांड के नाम से। जापान का पहला बैंक जिसे गिफ्ट सिटी गुजरात में अपनी शाखा खोलने की अनुमति मिली है MUFG बैंक। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है?
जोगी घोपा असम। किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? रेल विकास निगम लिमिटेड को। पूर्व में रेल विकास निगम लिमिटेड को कौन सा दर्जा प्राप्त था? मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट। इंडिया स्टील 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई महाराष्ट्र में। किस कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा प्रदान किया गया है? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को। कृषि ड्रोन निर्माण हेतु एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? गरुण एरोस्पेस। 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर। प्राथमिक उत्पादक क्षेत्रों में किसे सूर्योदय क्षेत्र भी कहा जाता है? मत्स्य पालन को। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गन्ना उत्पादन में वृद्धि तथा गन्ना किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई? पंचामृत योजना। पांच विधाओं के समावेश से बनी पंचामृत योजना के अंग हैं ट्रेंच प्लांटिंग, सह फसली खेती, पेड़ी प्रबंधन, ट्रेस मल्चिंग तथा ड्रिप सिंचाई। बीज वितरण हेतु ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? झारखंड। देश में 11वीं कृषि संगणना का शुभारंभ कब हुआ है? 28 जुलाई से 22 जुलाई को। पहली बार कृषि संगणना के लिए डाटा संग्रह हेतु किसका उपयोग होगा? स्मार्टफोन और टैबलेट का। कृषि संगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? 5 वर्षों के। सरकार के लिए अफीम प्रसंस्करण व्यवसाय में प्रवेश करने वाली पहली निजी कंपनी कौन बनी है? बजाज हेल्थ केयर लिमिटेड। प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली दिल्ली में। जून 2022 में जारी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार विपणन सत्र 2022-23 हेतु धान सामान्य एवं धान ग्रेड ए के लिए कितने रुपये प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किया गया है? क्रमशः 440 रुपये एवं 2060 रुपये। सर्वाधिक मूल्य वृद्धि किस फसल के लिए फसल के संदर्भ में दर्ज की गई है? तिल 523 रुपये प्रति क्विंटल। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत को प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग नेशन बनने हेतु कितने सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है? 9 सदस्यीय। इस टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? भुवनेश कुमार को। इंडिया सॉफ्ट 2024 का आयोजन किया जाएगा 17 से 19 जनवरी 2024 के मध्य। इंडिया सॉफ्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? प्रगति मैदान नई दिल्ली। इंडिया सॉफ्ट 2023 की थीम क्या है? बिजनेस बियॉन्ड बाउंड्रीज। भारत सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए कितने पीएम मित्रा पार्क स्थलों को स्थापित करने की घोषणा की है? 7। इन पार्कों को कहाँ स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र में। अंतर्राष्ट्रीय SME कन्वेंशन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। इस सम्मेलन में कौन सा राज्य प्रमुख भागीदार के रूप में शामिल हुआ है? मध्य प्रदेश। इसमें सहयोगी भागीदार के रूप में शामिल राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। 8 फरवरी 2023 को नेशनल एमएसएमई कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। 25 से 26 मार्च 2023 के मध्य इंटरनेशनल एमएसएमई बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। भारत ने 4 राज्यों में हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए किस संस्था के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? विश्व बैंक। जिन 4 राज्यों से यह परियोजना जुड़ेगी वे 4 राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। एमएसएमई चैंपियंस स्कीम के तहत वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता हेतु कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया है? एमएसएमई प्रतिस्पर्धी योजना। कौन सा देश पहली बार भारत को पीछे छोड़कर विश्व का 6ठा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया है? यूके। भारतीय रेल ने किस राज्य में संपूर्ण ब्रॉडगेज नेटवर्क के विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया है? हरियाणा।
S&P प्लेट्स द्वारा जारी S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट टॉप 250 ग्लोबल एनर्जी कंपनी रैंकिंग 2022 में किस कंपनी को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? सऊदी अरेबियन ऑयल कंपनी को। इस सूची में भारत की किस कंपनी को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? ONGC लिमिटेड 14वां स्थान। इस सूची में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? 22वां स्थान। इस सूची में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? 25वां स्थान। इस सूची में भारत की किस कंपनी को स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों और ऊर्जा व्यापारियों के रूप में शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? NTPC। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? लखनऊ में। इस वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इस सम्मेलन में सर्वाधिक निवेश किस क्षेत्र को प्राप्त हुआ है? नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, 4.47 लाख करोड़ रुपये। इस निवेश सम्मेलन में सर्वाधिक निवेश उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को प्राप्त हुआ है? पश्चिमांचल पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कुल निवेश का लगभग 45%। केरल का पहला जिला जिसने 10,000 नए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम पंजीकृत कराए हैं? एर्नाकुलम। इंडिया मिड टेक एक्सपो 2023 का आयोजन कब किया जाएगा? 18 से 20 अगस्त 2023। यह आयोजन कहाँ किया जाएगा? गांधीनगर, गुजरात में। कल्याणी समूह द्वारा निर्मित भारत के पहले ग्रीन स्टील बॉन्ड का नाम क्या है, जिसका शुभारंभ इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किया गया है? कल्याणी फेरेस्टा। आई ई आई उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 का विजेता किसे चुना गया है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC को। 7वें पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। इस कॉन्क्लेव का मुख्य विषय थीम है इंडियाज पेट केम फ्यूचर सस्टेनेबल एंड आत्मनिर्भर। इस कॉन्क्लेव का आयोजन किस महारत्न कंपनी द्वारा किया गया है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज कौन बना? इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड IEX। CII वैश्विक आर्थिक नीति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। इस सम्मेलन की थीम है इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर ए फ्यूचर रेडी इकोनॉमी। किस देश को पीछे छोड़कर भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाज़ार बन गया है? जापान। विश्व के सबसे बड़े ऑटो बाज़ार में पहला एवं दूसरा स्थान किसका है? क्रमशः चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका का। किस राज्य सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने हेतु तो अपनी पहली हस्त नीति 2022 का शुभारंभ किया है? राजस्थान सरकार ने। वर्ष 2022 के लिए एशिया की पावर बिजनेस वुमेन सूची में किन भारतीय व्यवसायी महिलाओं को स्थान दिया गया है? गजल अलग, सोमा मंडल तथा नमिता थापर को। विदेशी व्यापार महानिदेशक द्वारा लागू कागज आयात निगरानी प्रणाली प्रभावी है 1 अक्टूबर 2022 से। 27 से 28 सितंबर 2022 के मध्य 13वां फिक्की ग्लोबल स्किल समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। इसकी थीम क्या है? एडुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी, मेकिंग इट हैपन। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने भारत में चिकित्सा उपकरणों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था की स्थापना की है? चिकित्सा उपकरणों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद की। परिषद के कार्यालय आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में होंगे, लेकिन इसका मुख्यालय स्थापित होगा ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में। भारत सरकार द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड को। REC को शामिल करने पर महारत्न कंपनियों की कुल संख्या होगी 12। LEADS लीड्स 2022 सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 20 से 21 सितंबर 2022। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? फिक्की के द्वारा। इस सम्मेलन की थीम है लीडर्स रिपोर्ट के लॉजिस्टिक
इंडेक्स में क्रमशः शीर्ष 3 राज्य हैं, क्रमशः आंध्र प्रदेश, असम और गुजरात। लॉजिस्टिक्स इंडेक्स जारी किया गया है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 जारी की गई ऑक्सफैम इंडिया द्वारा। हैंडमेड फॉर द 21st सेंचुरी सेफ गार्डिंग ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल है 50% भारतीय विरासत वस्त्रों के दस्तावेजों की सूची। यह सूची तैयार की गई है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के द्वारा। मंगोलिया की पहली ग्रीन फील्ड तेल रिफाइनरी का निर्माण किया जाएगा भारतीय कंपनी मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के द्वारा। सिल्क मार्क एक्सपो 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया है? 22 से 28 अगस्त 2022 को। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? जय प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायक परिषद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जैव अर्थव्यवस्था वर्ष 2025 एवं वर्ष 2030 तक कितने डॉलर हो जाएगी? क्रमशः 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर। VLTD से लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को ERSS से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। ERSS का पूर्ण रूप है इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 किसके द्वारा जारी की गई? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। इस रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता राज्य है गुजरात। केंद्र शासित प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में पहला स्थान किसका है? मेघालय का। राज्यों की श्रेणी में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? केरल को। राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 किसके द्वारा जारी की गई है? उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत। औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। इस समिट का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? नई दिल्ली में। बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का आयोजन कब किया गया? 9 से 10 जून 2022 को। इसका आयोजन कहाँ किया गया? प्रगति मैदान नई दिल्ली में। इसकी थीम क्या है? बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशन टावर्ड आत्मा आत्मनिर्भर भारत। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? उड़ीसा। बिहार तथा हरियाणा क्रमशः द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर थे। रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा इंडिया ज्वेलरी एक्सपोजिशन सेंटर कहाँ शुरू की गई किया गया? दुबई में। किस महारत्न कंपनी को ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को। PGCIL को यह पुरस्कार क्यों प्रदान किया गया? निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के पालन हेतु। यह पुरस्कार कहाँ प्रदान किया गया? ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 समारोह में। यह समारोह कहाँ आयोजित किया गया? मियामी US में। अप्रैल 2023 में किस देश ने स्वर्ण द्वारा समर्थित डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है? जिम्बाब्वे ने। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स अपडेट ग्लोबल ट्रेड्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? अंकटाड के द्वारा। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की विकास दर 6% पूर्वानुमानित है। वर्ष 2022 के लिए यह कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 6.6%। एप्पल इंक द्वारा अपना पहला भारतीय स्टोर किस शहर में खोला जाएगा? मुंबई में। बड़े पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए किस देश ने गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत की है? बहरीन। लगातार सातवें वर्ष सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए एवरेस्ट 2023 पीक मैट्रिक्स सर्विसेज प्रोवाइडर ऑफ द ईयर अवार्ड से प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? एक्सेंचर ने। दूसरा, तीसरा तथा चौथा स्थान किसे प्राप्त हुआ है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS और केप जेमिनी तथा विप्रो को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शासन निदान कवायक
कवायद से गुजरने वाला एशिया का पहला देश कौन है? श्रीलंका। अमेरिका के किस सबसे बड़े बैंक को बंद कर दिया गया है? सिलिकॉन वैली बैंक को। मोर देन अ बिलियन रीजन्स द अर्जेंट नीड्स टू बिल्ड यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा यूनिसेफ द्वारा। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? बर्लिन, बार्सिलोना, स्पेन में। इस कांग्रेस में भारत को गवर्नमेंट लीडरशिप पुरस्कार 2023 किस संस्था द्वारा प्रदान किया गया? GSM एसोसिएशन द्वारा। 26 से 29 फरवरी 2024 के मध्य मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? बार्सिलोना, स्पेन में। टेलीकॉम से 150 कमा 2023 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ब्रांड फाइनेंस के द्वारा। विश्व का सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड कौन बना है? स्विस कॉम, स्विट्जरलैंड। इस सूची में एशिया का सबसे मजबूत ब्रांड कौन बना है? रिलायंस जियो भारत। फरवरी 2023 में ट्रेड्स इन मैटरनल मॉर्टेलिटी 2002-2020 रिपोर्ट जारी की गई है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा। वर्ष 2020 में लगभग कितनी महिलाओं की मृत्यु प्रसव के दौरान हुई है? 2,87,000, लगभग 800 महिलाएं प्रतिदिन। वर्ष 2020 में किस देश में सर्वाधिक मृत्यु प्रसव के दौरान हुई है? नाइजीरिया में। भारत दूसरे स्थान पर है। वर्ष 2020 में भारत में कितनी महिलाओं की मृत्यु प्रसव के दौरान हुई है? 24,000, संपूर्ण विश्व का 8.3%। वर्ष 2000 से 2020 के दौरान वैश्विक मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? 34.3%। वर्ष 2000 से 2020 के दौरान मातृ मृत्यु दर में सर्वाधिक गिरावट किस देश में दर्ज की गई है? बेलारूस में। वर्ष 2000 से 2020 के दौरान मातृ मृत्यु दर में सर्वाधिक वृद्धि किस देश में दर्ज की गई है? वेनेजुएला में। बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश के रूप में किसे नामित किया गया है? यूनाइटेड किंगडम को। बायो एशिया क्या है? तेलंगाना सरकार की स्वास्थ्य सेवा और जीव विज्ञान कार्यक्रम की वार्षिक श्रृंखला। बायो एशिया 2023 आयोजन तिथि 24 से 26 फरवरी 2023। आयोजन स्थल हैदराबाद, तेलंगाना। थीम एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइड्स हेल्थ केयर। 16 से 20 जनवरी 2023 के मध्य विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? दावोस क्लोस्टर्स, स्विट्जरलैंड में। इसकी थीम क्या है? कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंट्स वर्ल्ड। 16 जनवरी 2023 को वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेड्स 2023 नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने। वर्ष 2023 तक वैश्विक स्तर पर बेरोजगारों की संख्या कितनी अनुमानित है? 208.2 मिलियन। वर्ष 2024 में 210.9 मिलियन थी। वर्ष 2023 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितना अनुमानित है? 5.8%। वर्ष 2024 में 5.8% थी। वर्ष 2024 में 5.8%। इस रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? निम्न मध्यम आय वाले देशों में। जनवरी 2023 में वर्किंग टाइम्स एंड वर्क लाइफ बैलेंस अराउंड द वर्ल्ड रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। किस यूरोपीय देश ने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है? क्रोएशिया ने। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला क्रोएशियाई यूरोपीय संघ का है 20वां देश। क्रोएशिया यूरोप के किस वीजा मुक्त यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया है? सेगेन क्षेत्र। क्रोएशिया से पूर्व वर्ष 2015 में किस देश ने यूरो को अपनाया था? लिथुआनिया ने। विश्व बैंक समूह द्वारा जारी रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स जनवरी 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व की वास्तविक GDP वृद्धि दर 2.9% अनुमानित है, जबकि वर्ष 2021 में यह थी 5.9%। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 तथा वर्ष 2024 के लिए विश्व की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर अनुमानित है क्रमशः 1.7% एवं 2.7%।
ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स जनवरी 2023 के अनुसार वर्ष 2021 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 8.7% थी। वर्ष 2022 हेतु यह अनुमानित है 6.9%। वर्ष 2023 एवं वर्ष 2024 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर अनुमानित है क्रमशः 6.6% एवं 6.1%। 2022 इन नाइन चार्ट्स शीर्षक वाली रिपोर्ट किसने जारी की है? विश्व बैंक ने। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या होगी लगभग 574 मिलियन, वैश्विक जनसंख्या का 7%। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 के अंत तक अत्यधिक गरीबी में रहने वालों की संख्या हो सकती है 685 मिलियन। किस संस्था ने भारत को वर्ष 2035 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने की भविष्यवाणी की है? द सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च ने। वर्ष 2024 में विश्व व्यापार संगठन की 13वीं मंत्री स्तरीय बैठक होगी अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। विश्व व्यापार संगठन की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया जाएगा कैमरून में। इंडिया ग्लोबल फोरम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई यूएई में। वैश्विक जल संसाधन की स्थिति 2021 पर पहली वार्षिक रिपोर्ट जिनेवा में किसने जारी की? विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। अप्रैल 2023 में एशियाई विकास बैंक द्वारा जारी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक के अनुसार वर्ष 2021 एवं 2022 में भारतीय जीडीपी वृद्धि दर क्रमशः 9.1% तथा 6.8% रही, जबकि 2023 में वर्ष 2024 के लिए भारतीय जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान है क्रमशः 6.4% एवं 6.7%। नवंबर 2022 में माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 37 के तहत जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों को भेजी जाने वाली राशि अनुमानित 5% वृद्धि के साथ हो गई है 626 बिलियन डॉलर। अनुमानतः वर्ष 2022 में उच्चतम प्रेषण प्रवाह प्राप्त करने वाले शीर्ष 5 देश हैं क्रमशः भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और मिस्र। अनुमानतः वर्ष 2022 में भारत कितना प्रेषण प्राप्त करेगा? 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर। वर्ष 2022 में भारतीय प्रेषण प्रवाह 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर अनुमानित है, जो वर्ष 2021 की तुलना में अधिक है लगभग 12%। वर्ष 2021 में भारत ने कितना प्रेषण प्राप्त किया था? 89.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 27 से 29 नवंबर 2023 के मध्य ग्लोबल बैंकिंग समिट 2023 का आयोजन कहाँ होगा? लंदन यूके में। ग्लोबल बैंकिंग समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? लंदन यूके में। ग्लोबल बैंकिंग समिट 2022 में भारत के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? केनरा बैंक को। विश्व बैंक समूह द्वारा घोषित ग्लोबल शील्ड क्लाइमेट फाइनेंस एक संयुक्त पहल है V20 तथा G7 देशों की। ग्लोबल शील्ड पैकेज प्राप्त करने वाले आरंभिक देशों में शामिल हैं बांग्लादेश, कोस्टा रिका, फिजी, घाना, पाकिस्तान, फिलीपींस और सेनेगल। वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट्स 2022 का आयोजन किया गया है लंदन में। प्रथम ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022 आयोजित किया गया पिट्सबर्ग अमेरिका में। व्यापार और विकास रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई है? अंकटाड के द्वारा। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 एवं 2023 में विश्व उत्पादन वृद्धि दर अनुमानित है क्रमशः 2.5% एवं 2.2%। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड द्वारा वर्ष 2022 एवं 2023 हेतु भारत की उत्पादन वृद्धि दर पूर्वानुमानित की गई है क्रमशः 5.7% एवं 4.7%। ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक 2050 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा। 11 अप्रैल 2023 को वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसने जारी की है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। अप्रैल 2023 में IMF द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.8% दर्ज की है। वर्ष 2023 एवं वर्ष 2024 के लिए यह अनुमानित है क्रमशः 5.9% एवं 6.3%। हाल ही में किस संस्था द्वारा पावर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 करेक्टिंग कोर्स रिपोर्ट जारी की गई है? विश्व बैंक समूह के द्वारा। एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट किसने जारी की है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है यूनिसेफ तथा
युवा जनरेशन लिमिटेड इंडिया के द्वारा। भारत प्रशांत आर्थिक रूपरेखा की पहली व्यक्तिगत मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। IPF को कहाँ लॉन्च किया गया है? टोक्यो। ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेड्स फॉर यूथ 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के द्वारा। भारतीय मूल की कितनी महिलाओं को अमेरिकी वित्त सूची 2023 100 सबसे प्रभावशाली महिलाएं में शामिल किया गया है? 5। ये महिलाएं हैं अनु अयंगर, JP मॉर्गन, रूपल जे बंसाली, एरियल इन्वेस्टमेंट, सोनल देसाई, फ्रैंकलिन टेम्पलटन, मीना फ्लिनन, गोल्डमैन सैक्स, सविता सुब्रमण्यम, बैंक ऑफ अमेरिका। वर्ल्ड बिलियनर्स लिस्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? फोर्ब्स के द्वारा। इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन स्थित है? बर्नार्ड अर्नॉल्ड एंड फैमिली। कुल संपत्ति $211 बिलियन। इस सूची में मुकेश अंबानी किस स्थान पर है? 9वें स्थान पर। कुल संपत्ति $83.4 बिलियन। फोर्ब्स की सर्वाधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, $136 मिलियन। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक युवा श्रम बाजार में भारतीय महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत है? 5%। मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस नामक पहल का संबंध किससे है? भारत और विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा एशिया तथा अफ्रीका में मोटे अनाजों की खपत और उत्पादन को बढ़ाने से। मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस किन संस्थाओं की संयुक्त पहल है? नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम की। विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2022 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में वैश्विक स्तर पर भूख से प्रभावित लोगों की संख्या कितनी हो गई है? 702 से 828 मिलियन के मध्य। भारत में कुपोषित लोगों की संख्या 247.8 मिलियन से घटकर कितनी हो गई है? 224.3 मिलियन वर्ष 2019 से 21 में। जून 2022 में यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप और टेक इवेंट वीवा टेक 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? पेरिस, फ्रांस में। वीवा टेक 2022 इवेंट में कंट्री ऑफ द ईयर रहा है भारत। 12 से 17 जून 2022 के मध्य 12वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित हुआ है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इस सम्मेलन का सह आयोजनकर्ता कौन था? कजाकिस्तान। सूची में दूसरे एवं तीसरे स्थान पर कौन से एथलीट हैं? क्रमशः लियोन मेसी $130 मिलियन और किलियन एम्बाम्पे $120 मिलियन। अप्रैल 2023 में विश्व बैंक द्वारा जारी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 का शीर्षक है माइग्रेंट रिफ्यूजीज एंड सोसाइटीज। वैश्विक स्तर पर प्रवासियों की संख्या 184 मिलियन है। इसमें से 43% लोग रहते हैं निम्न और मध्यम आय वाले देशों में। 184 मिलियन प्रवासियों में से कितने मिलियन व्यक्ति शरणार्थी हैं? 37 मिलियन। विश्व बैंक द्वारा जारी रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में शीर्ष पर कौन सा देश है? सिंगापुर। भारत को रसद प्रदर्शन सूचकांक LPI 2023 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 38वां। विश्व के सबसे धनी शहरों की सूची 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा। सूची में कितने शहर शामिल हैं? 97। सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? न्यूयॉर्क, USA। दूसरे एवं तीसरे स्थान पर कौन कौन से शहर हैं? टोक्यो, जापान, द बे एरिया। सूची में कुल कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? 5, जिसमें मुंबई 21वें स्थान पर, दिल्ली 36वें स्थान पर और बेंगलुरु 60वें स्थान पर, कोलकाता 63वें स्थान पर, हैदराबाद 65वें स्थान पर। अप्रैल 2023 में जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2023 के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक यूनिकॉर्न वाले 3 देश हैं क्रमशः USA, चीन तथा भारत। हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 के अनुसार विश्व के शीर्ष 10 अरबपतियों में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? मुकेश अंबानी। सूची में मुकेश अंबानी की रैंक कितनी है? 9वीं 82 बिलियन अमेरिकी डॉलर। प्रथम रैंक है बर्नार्ड अर्नॉल्ड, $202 बिलियन। भारत ने अरबपतियों की संख्या के मामले में कौन सा स्थान हासिल किया है? 3रा। सूची में कितने भारतीय अरबपति शामिल हैं? 187।
मार्चांत 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर अंत 2022 में भारत का विदेशी ऋण 613.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो सितंबर अंत 2022 की तुलना में है 7.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक। जीडीपी और बाह्य ऋण का अनुपात दिसंबर अंत 2022 में 19.1% रहा है, सितंबर अंत 2022 में यह था 19.1%। जनवरी 2023 में जारी सर्वाधिक मूल्यवान एवं मजबूत वैश्विक ब्रांडों की वार्षिक रिपोर्ट ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 से 2023 के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड है अमेजॉन ब्रांड। अमेजॉन ब्रांड मूल्य 299.3 बिलियन डॉलर। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 से 2023 रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मजबूत ब्रांड है गूगल। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2023 रिपोर्ट के अनुसार सबसे तेज वृद्धि करने वाला ब्रांड है BYD बाइड। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड है टाटा समूह, विश्व में 69वां स्थान। ब्रांड मूल्य 26.38 बिलियन डॉलर। दिसंबर 2022 में जारी हरोन ग्लोबल 500 सूची 2022 में विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी है एप्पल 2.4 ट्रिलियन डॉलर। सूची में दूसरे, तीसरे एवं चौथे स्थान पर हैं क्रमशः माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट तथा अमेजोन। सूची में शामिल शीर्ष भारतीय कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL 34वां स्थान। हरोन इंडिया और एडल गिव द्वारा एडल गिव हरोन इंडिया फिलेंथ्रॉपी लिस्ट 2022 में किस भारतीय ने पहला स्थान प्राप्त किया है? शिव नाडर एवं परिवार ने। इस सूची में सबसे युवा परोपकारी का खिताब किसे प्राप्त हुआ है? निखिल कामत को। इस सूची में सर्वाधिक उदार महिला का स्थान प्राप्त हुआ है रोहिणी नीलेकणी को। IIFL वेल्थ हरोन इंडिया रिच लिस्ट 2022 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन हैं? गौतम अडानी एंड फैमिली। सूची में दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी एंड फैमिली। सर्वाधिक अमीर व्यक्तियों की संख्या के मामले में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? मुंबई 283 व्यक्ति। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत का स्थान है 132वां, स्कोर 0.633। HDI 2021-22 में शामिल कुल देशों की संख्या है 191। HDI 2022 में भारत का स्थान था 131वां। HDI 2021-22 में शीर्ष तीन देश हैं क्रमशः स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। HDI 2021-22 में न्यूनतम रैंकिंग वाले देश हैं सूडान 191वां, चाड 190वां, नाइजीरिया 189वां। HDI 2021-22 में भारत की स्थिति है मध्य मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में वर्गीकृत है। HDI 2021-22 में ब्रिक्स देशों में शीर्ष देश रहा है रूस 52वां स्थान। मानव विकास सूचकांक का विकास किया गया पाकिस्तान अर्थशास्त्री महबूब उल हक और अमर सेन द्वारा। अगस्त 2022 में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 2022 की सूची में शीर्ष स्थान है USA की रियल कंपनी वालमार्ट। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 2022 की इस सूची में भारत की 9 कंपनियां शामिल, जिसमें शीर्ष पर है जीवन बीमा LIC समग्र रूप से 98वें स्थान पर। 9 जून 2022 को अंकटार द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर वह वर्ष 2020 के 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में लगभग 42.2% की कमी के साथ वर्ष 2021 में हो गया है 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर। विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर वह के संदर्भ में शीर्ष तीन देश हैं क्रमशः यूएसए, चीन और हांगकांग। विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर वाह के संदर्भ में भारत का स्थान है 7वां। विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह कोविड-19 महामारी के पहले वर्ष के स्तर से 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से कम
की तुलना में 64% की अधिकता के साथ वर्ष 2021 में हो गया है 1.58 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका अगला पार्ट अगले वीडियो में आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।